हाय फ्रेंड्स, आज हम टेंसेस के बारे में पढ़ेंगे। टेंसेस को हम वर्ब टेंसेस भी कहते हैं। तो वर्ब्स जो हैं, तीन टेंसेस में हम उनको डिवाइड करते हैं। फर्स्ट टेंस है प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, थ्री है फ्यूचर टेंस। कोई भी काम का हमें होना पता चले कि वो प्रेजेंट में हो रहे, पास्ट में हो रहे या फ्यूचर में हो रहे, सबसे पहले हम प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। प्रेजेंट टेंस की डेफिनेशन रूल है, इट टेल्स अस व्हाट इज हैपनिंग नाउ, कि अब क्या हो रहा है, अभी के टाइम में क्या हो रहा है। फॉर एग्जांपल, ही प्लेज, शी डांसेस, She writes. Second है past tense. Past means जो time निकल चुका। It tells about what already has happened. जो काम ऑलरेडी हो चुका है। फॉर एग्जाम्पल, आई जम्प्ड, मैं जम्प कर चुका, जम्प, दे प्लेड, वो खेल चुके हैं, वे खेल चुके, शी डांस, उसने डांस किया था, ये काम सारे हो चुके हैं। अब है फ्यूचर टेंस, It tells us what will happen in the future. Future tense हमें बताता है कि future में क्या होएगा। For example, I will jump. You will sing, it will fly, will, future tenses में will साथ लग जाते हैं और past में ed लग जाता है और present tense में s या es होता है verbs के साथ। अब हम इनकी एक word की form कैसे चेंज होती है पास्ट में, प्रेजेंट में और फ्यूचर में, इसके बारे में हम वर्ड्स को देखेंगे कि वो कैसे चेंज होते हैं प्रेजेंट टेंस में, पास्ट टेंस में और फ्यूचर में। हम कुछ एग्जांपल्स में आपको बताते हैं। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। फर्स्ट वर्ड है बाय, बाय प्रेजेंट टेंस है, पास्ट इसका होएगा बॉट। इसी वर्ड को हम फ्यूचर में लिखेंगे विल बाय, सी सॉ, विल सी, फाइंड फाउंड, will find, flee slept, will sleep, make made, will make। ये present में
और ये पास्ट में और ये ऐसे टेंसेस चेंज होते हैं। तो अब आपको टेंसेस के बारे में समझ आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड वॉच फॉर मोर अपडेट्स।